हेलो यूट्यूब, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, जहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है ताकि मैं आपका ज्यादा समय ना लूं। तो दोस्तों, एक चेक बॉक्स बनाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके रिबन पे ये जो डेवलपर टैब है वो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट डेवलपर टैब आप चेकबॉक्स नहीं बना पाओगे। अब इस डेवलपर टैब को आपको रिबन पे लाना कैसे वो मैं बताता हूँ। अगर आपके पास डेवलपर टैब है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बस देखिए ये कैसे आती है। आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है आपको एक्सेल ऑप्शन में। जैसे आप एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ टैब्स आएंगे। जो पहला टैब है पॉपुलर, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्टेड है। तो जो तीसरा है वहाँ पे आप देख रहे हैं शो डेवलपर टैब इन रिबन, इस टैब को, इस चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो डेवलपर टैब है वो आपके रिबन पे शो होने लगेगा इस तरह से। अब चेकबॉक्स के लिए हम डेवलपर टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट, इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपको दिखेगा कंट्रोल्स, जो कि एक फॉर्म कंट्रोल है और एक है एक्टिव एक्स कंट्रोल। तो अभी हम सिर्फ फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, एक्टिव एक्स कंट्रोल्स के बारे में मैं आपको नए वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल में हम लेते हैं इस चेकबॉक्स को, सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हमने आके इंसर्ट किया। अब इंसर्ट के बाद हमने इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं ताकि ये मिडिल में आ जाए, और यहाँ इसको चेकबॉक्स जो दिख रहा है हमें इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल चेकबॉक्स आ चुका है। अब चेकबॉक्स हमें सारे कॉलम में चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑटो फिल कर देंगे चेकबॉक्स के सारे। तो हमारा ऑटो फिल हो चुका है। अब करना क्या है, अब हमें एक एक करके सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल का, फॉर्मेट कंट्रोल में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेल लिंक पे हमें जाना है, सेल लिंक पे जैसे जाएंगे तो यहाँ बोला सेल लिंक, कौन सा सेल को आप लिंक करना चाह रहे हैं। तो हमारा पहला क्या है, ये है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। ठीक इसी तरह से हम दूसरे में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, ये आपको फॉलो करना है, आप जितने भी सेल लेना चाहते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, टोटल मैं भी कर देता हूं। तो जितना ज्यादा आप इसको करेंगे उतना बेटर है, आप जान पाएंगे, प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा। और अगर ये छोटा टेबल है जिसकी वजह से आप तो यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हो, बड़ा टेबल रहता है तो इसको करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं इसको एक साथ भी। तो आई होप अभी तक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो हमने ये सारे जो है सेलेक्ट कर लिए हैं सेल चेकबॉक्स के। अब हम यहाँ पर चेकबॉक्स करेंगे तो आप देख रहे हैं पीछे जो है ट्रू लिखा हुआ आ रहा है चेकबॉक्स के, और हम यहाँ पे करेंगे तो फॉल्स आ रहा है। अब हमें ये हटानी है, कैसे हटाएंगे, तो हमें क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है, होम में जाना है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट लाइन है उसको व्हाइट करना है। अब क्या ये हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब इसके साथ अब हमें यहाँ पे लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करें हमारा सारा वो सेलेक्ट हो जाए। तो हम पहले ये टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद न्यू रूल, यू रूल पे आने के बाद हमारा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, उसको कलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला देना है कौन सा सेल का करना है,
तो हमारा सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं B4, तो हमें यहाँ लिखना है B4। लेकिन B4 से पहले हमें एक तो स्टैटिक करना है, जिससे हम इसको देते हैं डॉलर का साइन, ये हो गया। उसका फॉर्मेट कर देंगे, अब जिस कलर से फॉर्मेट करना चाहते वो डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूँ आपको वही फॉर्मेट डालनी है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम जैसे यहाँ पे चूज करेंगे तो हमारा सारा सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब तो यहाँ पे हम इसे देख रहे हैं, जैसे हम इसे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट करते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, पर एक प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं सेलेक्ट जैसे हम करते हैं तो उसके बैक साइड पे ट्रू आ रहा है, ओके। तो हमें इस ट्रू को हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, ये जो कॉलम है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसका कंट्रोल और 1 को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कस्टम में आएंगे और यहाँ पे जो जनरल है हमारा, यहाँ पे हम देंगे 3 सेमी कॉलम और ओके प्रेस करेंगे, तो हमारा जो एक साइड पे ट्रू और फॉल्स आ रहा था अब वो यहाँ पे नहीं शो करेगा, यानी कि वो अब हाइड हो चुका है। अब आप यहाँ से अपने तरीके से चेक कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको चेक करना है। और यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरा सेल्स आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा टोटल कॉलम शो करे कि जितना मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है चेक बॉक्स वो हमारा टोटल यहाँ पे आए। तो कैसे आएगा, हम यहाँ पे करेंगे सम इफ, सम इफ के बाद आएगा ये हमारा जो कॉलम है वो आ जाएगा चेक का, तो हम इसी से चेक करेंगे, कॉमा के बाद ट्रू, फिर कॉमा के बाद हमारा सेल्स का कॉलम, फिर ब्रैकेट बंद, ओके। अभी 0 शो कर रहा है सेल्स में टोटल का, अभी से हमने ये सेलेक्ट किया आप देख रहे हैं 500 आ चुका है, फिर दूसरा सेलेक्ट किया 700, फिर तीसरा सेलेक्ट किया 300। अब हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप अपने एक्सेल में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको चेकबॉक्स लगाना है तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा, कुछ जानने वक्त आया होगा। अगर इसमें कुछ भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।